युवा मोर्चा ने खूनदान कैंप लगा मनाया मोदी का जन्मदिवस। आज पीएम मोदी का है 72वां जन्मदिवस। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 72वें जन्मदिवस पर पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से खूनदान कैंप लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी के तहत आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा अमृतसर के अध्यक्ष गौतम अरोड़ा की अध्यक्षता में केडी अस्पताल में रक्तदान कैंप लगाया गया, जिसमें करीब 72 कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे। इस मौके पर भाजपा नेता राजेश हनी, युवा मोर्चा पंजाब के महासचिव सलील कपूर और युवा मोर्चा शहरी अध्यक्ष गौतम अरोड़ा ने कहा कि खूनदान कैंप का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को खून की कमी आने पर सहायता करना है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन युवा मोर्चा सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। ये सिलसिला हर वर्ष उनके जन्मदिवस पर जारी है। साढ़े देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का अज 72वां जन्मदिन है। उन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य पूरे देश भर च साढ़े नैशनल प्रेजिडेंट श्रीमान तेजस्वी सूर्या जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा अश्विनी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा भानू प्रताप जी के आहान से जिथे पूरे देश भर च खूनदान कैंप लगाया जा रहा है, उत्थे ही अमृतसर अज असी भारतीय जनता युवा मोर्चा वालों एक खूनदान कैंप केडी हॉस्पिटल विखे लगाया है, जिथे उन्होंने 72वें जन्मदिन से 72 लोग इतने खून देंगे। सो हूँ तक 17 लोग खून दे चुके हैं। शामी 5 बजे तक एक खूनदान कैंप चलेगा। आने वाले समय से हर मंडल तो हर वार्ड स्तर तक टोलियां इतने आ गए अपना ब्लड कैंप ब्लड खून जो दान करते रहनगियाँ। सो खूनदान एक महादान कहा गया है। सो इस करके ही एक साड़ी पार्टी का आहान से कि युवाओं वालों मोदी साहब के जोड़ा सेवा पखवाड़ा चल रहा है उस खूनदान किया जाए, ता कि जो लौटवंद ने हस्पतालों से खून की कई बार बहुत कमी हो जाती है, उस कमी पूरा करने वास्ते असं खूनदान कर रहे हैं। जेकर युवा मोर्चा की गल करा, सो अज जरा एक जन्मदिवस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, लेकिन जेकर युवा मोर्चा की गल करा, सो अगे भी इस तरह के जो समाज सेवी काम चलते रहते हैं, क्योंकि युवा का अहम रोल होंगे और युवा मोर्चा ऑलरेडी जो है लगातार एक संकल्प लैके चलिया। युवा देश का भविष्य है, युवा साड़ी जी पार्टी रीढ़ की हड्डी है। असी अज नहीं, 4 साल तो मैं जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी निभा रहा हाँ। 4 साल तो ही हर साल असी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य सेवा सप्ताह सेवा पखवाड़ा रूप से मनाने हाँ, तो हर साल खूनदान करते हैं या उन्होंने जन्मदिन से किसी कुष्ठ आश्रम से जाके सेवा का कार्य करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। सो हर साल असं ये समाज के काम करते रहते हैं। उस समय साडा संगठन साडी पार्टी समाज वास्ते हमेशा तत्पर रहती है। सो बीजेपी की नीतियाँ जी कि विकास की नीतियाँ, सो जी देश को अगे ले जाने की नीतियाँ, किस तरह युवा जो तैयार है थोड़ा युवा मोर्चा कि आने वाले समय के बीजेपी की घर नीतियाँ जी कर करके 2024 भी नज़दीक है। जदों की आम आदमी पार्टी सरकार आई है, इसका जो फल है सारे ने वेख लिया। दूजे पास अज जो कुछ विकल्प के रूप से पंजाब के लोगों को विख रहा है तो उस भाजपा है। सो आने वाला समय भाजपा का, युवावान भाजपा नाल युवा बहुत तेजी नाल जुड़ रहे हैं। सो आने वाले MC कारपोरेशन के इलैक्शन च भी युवावान का अहम रोल रहेगा, तो वह युवा इस इलैक्शन भाग लैणगे। 2024 भी इस पंजाब मोदी साहब सरकार बने आप दे लोग बिल्कुल एक फेल सरकार है। इन्होंने बहुत वड्डी वड्डी गरंटियां दित्तियां सी, एक भी गरंटी हुण तक पूरी नहीं हुई। ये झूठ की फैक्टरी है। ये पंजाब नूं रंगला पंजाब बनाने की गल कर रहे सी, रंगला पंजाब नहीं बनाया, लहू लुहान पंजाब बनाता। ये हर दिन लॉ एंड ऑर्डर स्थिति वेख लो, जदों की सरकार आई है उन्ने दिन सरकार आई नहीं होए जिन्ने इतने कतल हो गए ने। नशे की गल करिए तो परसों जो एक साढ़े अमृतसर च एक जिंदी वीडियो सोशल मीडिया से वायरल हुई सी, एक लड़की जो सरेआम इंजैक्शन लगा रही सी, मतलब कि इन्ना बुरा हाल है। सो अज का जो युवा है ये दलदल च फस गया है नशे की। सो पंजाब च आने वाले समय च जो साड़ी सरकार आवे या सानू भी मौका मिलेगा, असी इस दलदल चो युवाओं को कढ़ांगे, क्योंकि मावां दे पुत असी मरन नहीं देने। 25 करोड़ देने का मौका मिलेगा, ये तो तुहानू दस्सिया पहला झूठ की फैक्टरी है। इन्हां नू कोई 25 रुपये ना दे, ये 25 करोड़ की गल करते हैं। ये 25 रुपये का लायक नहीं, सानू लोड़ भी नहीं है। ये लोगों ने सरकार बनानी भाजपा की, केजरीवाल ने नहीं बनानी। एक सिर्फ अपनिया जड़िया विफल जी नीतियां ने उन्होंने लुकाने वास्ते लोगों का ध्यान भड़का दूजे पास करते हैं। साढ़े वे लीडर ने असं भी खुद मंग करते, सीबीआई की मंग हो सबूत देना जी गल करते हैं कि साढ़े 25 करोड़ कितने दिते, किन्ने दिते, किन्ने फोन किया, ये कहें FIR लॉन्च कर दी, कि खिलाफ़ की लॉन्च, सानू प्रूफ देन स्पार लियान। ये सिर्फ गल्ला करते हैं लोगों का ध्यान भड़काने वास्ते। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री
आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उत्ते हर साल की तरह भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अज रक्तदान कैंप जो है लगाया है, जिस दे विच भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जेडे ने वो रक्तदान कर करके खूनदान महादान कर करके देश दे जेड़ा है वो विकास दे लई और समाज के प्रति अपनी सेवाओं के लिए अपना अमुल्य योगदान जेड़ा ने वो दे रहे ने। इस मौके दे उत्ते मोदी जी नू मोदी जी दा आपां धन्नवाद करदे आ जेड़े अपनी मेहनत के द्वारा जेड़ा है वो देश नू विश्व गुरु बनाने च लगे ने। इस मौके पर प्रधान साढ़े अमृतसर के प्रधान भाई गौतम अरोड़ा जी, पंजाब के उपाध्यक्ष सलिल जी भी विशेष रूप से उपस्थित होए ने। इन्हां सारयां दा धन्नवाद और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ता का धन्नवाद जिन्होंने खूनदान महादान के अपना योगदान पाया है। श्री नरेंद्र मोदी जी जो कि देश सेवक प्रधानमंत्री साढ़े हिंदुस्तान के, अज असी पूरे भारत के ब्लड डोनेशन कैंप जरा लगा रहे हैं और युवा मोर्चा कोई जिला ऐसा नहीं है, कोई मंडल कोई वार्ड ऐसी नहीं है भी जिते साडा ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगा होया। और अज असी अमृतसर के भी युवा मोर्चा के अध्यक्ष गौतम अरोड़ा जी की अध्यक्षता के कैंप जरा KD हॉस्पिटल विखे लगाया गया है और युवाओं के बहुत ज़्यादा जोश है ब्लड नू, ता कि साढ़े हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का आन सी भी युवा जरा है इसनों खूनदान करके जरा है मेरा जन्मदिन जरा है वो सेवा के रूप के किया जाए, ता कि अगर हिंदुस्तान के हर कोने के ब्लड बैंकों के ब्लड दे के ब्लड जरा युवा देंगे जेरे लोगों नू जरूरत है उन्हों की जरूरत जी पूरी हो सके। इस दिन असी इस रूप के मना रहे हैं।